आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही है, जिसके उपलक्ष्य से पूरे देश में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर रमन विज्ञान केंद्र में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जहां विभिन्न स्कूलों के छात्रों को सुदूर संवेदन के प्रबंधक श्रीनिवास ने चंद्रयान मिशन के विषय में जानकारी दी। गौरतलब है कि भारत के मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर आज 23 अगस्त की शाम को 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो का कहना है कि वो सभी सिस्टम को समय समय पर चेक कर रहे हैं। देश के लिए खुशखबरी ये है कि चंद्रयान 3 के सभी सिस्टम सही तरह से काम कर रहे हैं। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर इतिहास बनाने को तैयार है। ये लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसमें सबसे अहम अंतिम 17 मिनट होंगे, जिन्हें इसरो के वैज्ञानिक 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी 17 मिनट का आतंक बता रहे हैं। ऐसी जानकारी इस समय इसरो के वैज्ञानिक और सुदूर संवेदन के प्रबंधकीय डायरेक्टर जी श्रीनिवासन ने दी। इस समय उपस्थित सभी छात्र जी श्रीनिवासन की बातें बड़ी ही तन्मयता के साथ सुन रहे थे। इस अवसर पर रमन साइंस के हेड अर्णव चटर्जी और शिक्षाधिकारी अभिमन्यु भेलावे ने उपस्थित छात्रों का मार्गदर्शन किया। दर्शकों, आज का दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में स्वर्णाक्षर उसे लिखा जाएगा, क्योंकि आज चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पर होने जा रही है, जो कि काफी खुशी का दिन आज भारतवासियों के लिए है, क्योंकि इसके बाद भारत ऐसा चौथा देश हो जाएगा जिसने कि चंद्रयान मिशन में सक्सेसफुली इस प्रकार से परियोजना की है, सक्सेसफुली प्लान किया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं रमन साइंस केंद्र में, जहां की CDS स्कूल के बच्चे आए हैं और चंद्रयान 3 के उपलक्ष में समझ रहे हैं और उन्हें इस विषय में बताने आए हैं जी श्रीनिवासन, जो कि सुदूर संवेदन के मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि पूरी जो परियोजना है पूरी समझा रहे हैं बच्चों को, ताकि देश का भविष्य जो है, देश के जो स्टूडेंट है वो समझ पाए चंद्रयान 3 में किस प्रकार से कठिनाई आई और किस प्रकार से इतना बड़ा आयाम भारत ने छुआ है। इसी के साथ देखते हैं आखिर शाम तक होने वाली जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो किस प्रकार से होती है, ये देखना काफी रोचक रहेगा। कैमरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।